नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जनयात्रा टीवी। यूपी के संत कबीर नगर में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 2024 में भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना चुकी है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र में प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने पर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर पूर्वांचल को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार सत्ता में आई है, देश के साथ साथ विकास कार्यों में पूर्वांचल का नक्शा बदल दिया गया है। पत्रकार साथी मेरे ये भी देख रहे, लोग माने नरेंद्र मोदी जी को 2024 में तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बना चुके। केवल जब वोट डालने का मौका आएगा तब वो वोट डाल करके, कमल खिला करके, भाजपा को जिता करके ये बता देंगे कि हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री के रूप में चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होने वाले लोग नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार करने वाले नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले चाहिए। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आप सब लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव का आह्वान करते हुए ये कहना चाहता हूं, ये जो समाज को बांटो और राज करो की राजनीति करते थे उनकी दुकान उखड़ गई है। और अभी आएंगे, जब तक चुनाव आएगा कई बार आएंगे, जाति की बात करेंगे, समुदाय की बात करेंगे। जैसे सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की श्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार जब चल रही थी तो उस समय क्या होता था, उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कहा देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, और उन्होंने सबका साथ सबका विकास का मंत्र का जाप करके और देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाया, गरीबों को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलने देना है। 2024 में लोकसभा के चुनाव के लिए जो आप वोट करोगे वो 5 साल के लिए नहीं मेरे भाई बहनों, ये 100 साल देश को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है, 100 साल देश को आगे ले जाने का चुनाव है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, काशी में बाबा भोलेनाथ का डमरू जरूर बजेगा और मथुरा में मेरे कान्हा की बसुरी बजने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरे सभी भाई बहनों, 2024 के लिए कमर कस करके तैयार हो जाओ। 2024 का चुनाव मैंने कहा देश को 100 साल आगे ले जाने का। आज मेरे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में है। आप में से कई लोगों को याद होगा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए अमेरिका से वीजा मांगते थे तो अमेरिका उनको वीजा नहीं देता था। अगर उनकी पार्टी से गुंडे, अपराधी, माफिया निकाल दिए जाए तो समाजवादी पार्टी आज ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसको समाप्त होने का समय 2024 का लोकसभा चुनाव है। मेरा मानना है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था इस उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल ने गठबंधन किया था। उनका गठबंधन गरीबों की भलाई के लिए नहीं था, उनका गठबंधन किसानों की भलाई के लिए नहीं। ऐसी जिले की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।